एंड अंडरस्टैंड इट डीपली कि ये वर्चुअल है, रियल नहीं है. दैट लिबरेट्स यू फ्रॉम दिस कंपैरिजन फॉर एवर. जैसे स्क्रीन पे एक मूवी चल रही है, दिख रहा है एक्चुअल में कहां है. अब उसको अगर आप सच मान लो तो लाइफ की धज्जियां उड़ने से आपको कोई नहीं बचा सकता. मतलब आपने एक हॉरर फिल्म देखी स्क्रीन के ऊपर और आपको लगे कि हाँ इस मूवी में दिखाया है, तो इसका मतलब भूत होते हैं, ऐसे ही होते हैं. अब आपको कोई नहीं बचा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती. बट द मोमेंट यू सी इट एज अ फैक्ट, यानी वर्चुअल रियलिटी की रियलिटी देख लो, दैट फ्रीज यू फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी. सोशल मीडिया की जो नकली दुनिया है उसको समझ लो कि ये सब नकली है, सब झूठ है. तो झूठ के सच को अगर आपने देख लिया, झूठ का सच क्या है? कि वो झूठ है. एग्जैक्टली. किसी भी झूठ का सच क्या है? ये वो झूठ है. उसमें क्या है अगर सोशल मीडिया में ध्यान से समझा जाए? लुक्स है, एक परफेक्ट फिगर है, एक परफेक्ट फिजिक है. क्या वो सच है? क्या बॉडी कभी भी परफेक्ट होती है? क्या बॉडी एक्चुअल में परफेक्ट है, ये बात आपको पता है या परफेक्ट दिख रही है? दोनों में फर्क समझ आया? जरूरी नहीं है ना जिसकी बॉडी बाहर से परफेक्ट दिख रही है अंदर से उसकी बॉडी परफेक्ट है. एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंदर से परफेक्ट फील करना या बाहर से अपने आप को परफेक्ट फील दिखाना? तो जो भी कुछ दिख रहा है वो सब एक्चुअल में नकली है. अगर आपको समझना हो नकली क्या है और असली क्या है, अगर ध्यान से समझना हो, तो आप जानवरों को ऑब्जर्व कर सकते हो. देखना कुछ इंटरेस्टिंग नजर आया है. जानवरों के केस में कुछ भी नकली नहीं है, सब असली है. सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? Yes, sir. तो अगर बंदरों को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, मतलब चाहे तो किसी जंगल अंगल में जा सकते हो, जू में जा सकते हो, नहीं तो शीशा देख लो. तो जैसे ही अगर आप इनको बंदरों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो बंदरों के क्या होते हैं? एट पैक्स होते हैं. कभी देखे है किसी बंदर के एट पैक्स? क्या होता है? एक गोरिल्ला एक्सपर्ट बैठे हैं, एक मिनट देना जरा. मॉर्निंग सर. गोरिल्ला को हमने कभी मूवी में देखा सर, उसको पैक्स ऐसे से निकला होता है. मूवी में होता है या एक्चुअल में होता है? सर अभी तो मूवी ही देखा. मूवी में तो कुछ भी हो सकता है. बट सर एक बार मैं जू में गया था तो एक दो निकला हुआ था सर. ऊपर करके दिखाओ. एक दो तो आपके भी निकले होंगे. नहीं सर, हमारा तो नेचुरल है. नेचुरल है ना. तो रियलिटी अगर समझनी है तो नेचर को ऑब्जर्व कर लो, जानवर को ऑब्जर्व कर लो. तो उसमें हर तरह की आपको तरह तरह की फिजिक मिलेगी, तरह तरह की फिगर मिलेगी, बंदरों में, इसमें, उसमें, जानवरों में. कोई भी ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे दिख रहे हैं. जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादातर आप देखोगे तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं. तो एक्चुअल में बंदर वो है. मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बंदर कौन हुआ? कहते हैं ना बंदर मतलब नकलची बंदर. ये हैं सारे के सारे, एक दूसरे को ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं. इस कंपैरिजन के कीड़े से बचने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है इस सच को देख लेना कि ये ऑनलाइन दुनिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, यहां पे सब झूठ फैला पड़ा है चारों तरफ. द मोमेंट वी सी इट एज अ फैक्ट, अब आप उससे फ्री हो गए. नहीं तो अगर आपको लगा कि ये असली है, तो अब आप भी वही हरकतें करना शुरू कर दोगे जो वहां पर हरकतें हो रही हैं. मतलब उसी रेस में आप शामिल हो जाओगे. कौन सी रेस है ये? वर्चुअल रियलिटी की दुनिया. उसमें भाग रहे हो. कुछ आ भी गया हाथ में तो वो भी वर्चुअली होने वाला है, रियल कुछ नहीं है जी वहां पर. अगर फेसबुक पे आपके मान लो 2000 फ्रेंड्स हो भी गए, किसी और के हैं और उसको आप उस नंबर को बीट करने की कोशिश कर रहे हो, 2000 की जगह 2500 भी हो गए, उससे क्या मिलने वाला है? वॉट एवर यू विल गेट, यानी क्या मिलता है वहां पर? लाइक्स मिलते हैं. लाइक्स की एक्चुअल में रियलिटी क्या है? कुछ नहीं है, सब वर्चुअल है. जो लाइक कर रहे हैं क्या वो एक्चुअल में लाइक कर रहे हैं उसको, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो वो नहीं करेगा? तो क्या है ये? ऐसा नहीं है तू मुझे खुजा, मैं तुझे खुजाऊंगा. तो इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, इन रियलिटी, टू बी फ्री फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी. उसे फ्री कैसे होंगे? उस वर्चुअल रियलिटी की आपने रियलिटी देख ली, नकली है, सब नकली है, सब झूठ है, सब बकवास है. तो सच क्या है? वहां पर आ गए. अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे आ गए कंपैरिजन के. कहां पर आ गए? रियलिटी में आ गए.
कंपैरिजन बेस्ड अपॉन रियलिटी. अब वहां पे कुछ चीजें हैं जो बदलनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो बदलने की जरूरत ही नहीं है.